सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड के बाद में पूरा राजस्थान विरोधी आग में जल रहा है। सिप्रापत स्थित मेट्रो मास अस्पताल के सामने भारी संख्या में समर्थक और राजपूत समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। हाल फिलहाल हम खड़े हैं गुजरधड़ी चौराहे पे, जहां पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है प्रशासन द्वारा। एहतियातन तौर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। श्याम नगर जाने वाला रास्ते को जाम कर रखा है। मेरे पीछे देख सकते हैं भीड़, मैं कैमरा पर्सन जाकर करूँगा, दिखाएं ये भीड़ किस कदर यहाँ पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और लगातार यहाँ पे भी जो भीड़ की तादाद है समर्थकों का, विरोधियों का जो विरोध करने वाले हैं वो लगातार समर्थन कर रहे हैं। और लगातार ये है, हम दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ पे टायर भी जलाए गए हैं विरोध को प्रदर्शित करने के लिए। और भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। RAF, RAS, RAC और पुलिस प्रशासन के साथ साथ अन्य जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं या सुरक्षा टुकड़ियाँ हैं, पुलिस टुकड़ियाँ वो भी हैं। यहाँ पे जो बैनर होते हैं उनको जलाया गया है और विरोध प्रदर्शन किया गया है। चारों तरफ से गाड़ियों को लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि लगातार जो विरोध हो रहा है वो पब्लिक कर रही है। और यहाँ पर पुलिस जो है शांति की बार बार अपील कर रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि यहाँ पे बूढ़े बच्चे जवान सभी उस समर्थकों में आ रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। इनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये पुलिस प्रशासन के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, मेरे पीछे ये युवा जो है वो नारे लगाते नजर आ रहे हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे किस प्रकार आप लोग देखो कैसे क्राइम बढ़ रहा है। घर में घुस के लोगों को मारा जा रहा है, हमारे करने से ना के उनको मार दिया। तो आप जानते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी को कौन थे? हाँ जानते हैं। कौन थे? अध्यक्ष है कहीं के, हमारे करनी सेना के। कौन सी करनी सेना? दो हैं, शामनगर में रहते हैं वो। उनके घर में घुस के उन लोगों ने मार दिया। तो ये पुलिस प्रशासन का ही है, उन्होंने कांग्रेस सरकार से मांगा था कि उनको दी जाए सिक्योरिटी, पर उन्हें नहीं दी गई। अब बताओ ये किसका है? प्रशासन का ही कमजोरी है ये, जो घर में घुस के मारा जा रहा है लोगों को। बिल्कुल, ये युवा जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साफ साफ कहना है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो भी हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार एनकाउंटर करने की मांग की जा रही है। जो मांग वहाँ पे की जा रही है वही मांग यहाँ पे हो रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ हाथों में एक डंडे टाइप ले रखे हैं जिससे कि कोई उपद्रवी ना करे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे। ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार जो विरोध की आग है वो दिखाना चाहूँगा। इधर भी देखिए हर जगह जगह टायर जलाए गए हैं। यहाँ पे भी अभी सुलग रहा है, वहाँ पे भी देखिए पूरा रोड जो है जाम कर रखा है इन्होंने। इधर ये पुलिस प्रशासन जो है लगातार सतर्कता बरताए हुए है। एहतियातन के तौर पर ये जो विरोध हो रहा है वो कहाँ तक फैलेगा अब ये देखने वाली बात होगी। लगातार प्रशासन और शासन से अपील की जा रही है कि कैसे भी इसको मसले को हल किया जाए, क्योंकि विरोध वहाँ पर भी ज़्यादा हो रहा है। हज़ारों से संख्या में वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और गुजरधड़ी चौराहे पे भी है। हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं। सर किस प्रकार से देखते हैं आप लगातार जो विरोध प्रदर्शन किया गया है? यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समझने सुनने की शक्ति नहीं रखते हैं, वो उनके मुंह से स्मेल भी आ रही है। शायद ये विरोध प्रदर्शन का तरीका सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शासन और प्रशासन को हर बार सचेत होते हुए इस मसले को जल्दी हल करना होगा, वरना बड़ा एक घटनाक्रम दोबारा घटित हो सकता है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ संदीप अग्रवाल, नगरी मीडिया, जयपुर।